सत श्री अकाल जी सारयां नूं। हाँ जी दोस्तों, मैं बीर देवेंद्र। अज जिहड़ी लाइव आ, इह लाइव दा कारण मेन इहो ही आ कि मैं हुणे दीप सिद्धू दी इंटरव्यू सुणन डिया सी। कुल 38 मिंट दी मैं इंटरव्यू सुनी आ। 38 मिंट दी इंटरव्यू दे विच उह बंदे ने जो गल्लां कीतियां ने, जिस तरह का वह वतीरा वा, जिस हिसाब न वह बोलता वा, मैं अज तक यहोजा बंदा अपनी जिंदगी च नहीं तकिया कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी भाने के बेचा तो चढ़ती कला के बेचा। ठीक है, जेल दियां रोटियां बंदे नूं लिस्सा कर देंदियां ने, तो दुबला पतला होया होगा, पर उहदियां गल्लां दे विच कोई तब्दीली नहीं हैगी। इहनूं कोई रोक नहीं सकदा, इस बंदे नूं जे चलना चाहे तो इहनूं कोई नहीं रोक सकदा, क्योंकि है दूसरिआं तों अनोखा। इहनूं जो मर्जी कह लो, भावें तुसीं गालां कढ लो, भावें तुसीं जो मर्जी कर लो, इह तुहानूं जवाब नहीं देण वाला, इह तुहानूं माड़ा नहीं कहण वाला, क्योंकि इह रब दी रज़ा च रहण वाला बंदा। जो उहने गल दसी आ एकता च अनेकता दी, जिस तरीके नाल सिमरजोत सिंह मक्कड़ इंटरव्यू लै रहे सीगे, इंटरव्यू कहदी सीगी कि इस तरह लगता पिया सी कि एनकाउंटर करदे पए आ, पर एक दो जगह ते उन्होंने अपना मक्कड़ साहब नूं भी इस तरीके नाल लिया कि मक्कड़ साहब तुसीं वी इह गल कही सी, तुहाडी इंटरव्यू दिखा दिखा के पुलिस ने मैनूं टॉर्चर किया कि वायलेंस क्यों। तो मोस्टली परफेक्टेड जिहड़ी गल हैगी आ उह आ हैगी आ कि बंदा अज भी चढ़दी कला च, अज भी रब दे भाणे दे विच, अज भी उह किसान मोर्चे दे नाल आ, कहिंदा कि मैं तां सिपाही आ। किसान मोर्चे वाले कहिंदे कि असीं सिपाही नहीं मन्नदे, तुसीं ना मन्नो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ। पता नहीं कितों है उठ के आया, किस हिसाब का बंदा वा, कित्थे रहा वा, किस माहौल च पलिया वा, कि इन्ना ज़्यादा जिहड़ा वा, इन्ना ज़्यादा निम्रता किसी बंदे दे विच आ जानी, इन्ना कुछ होने तो बाद होर ज़्यादा आ जानी। मेरे तो हिसाब नाल इहनूं जिन्ने भी धक्के पैंदे पे, उन्हां सारे धक्कियां तो यह सिख्या लैंदा पिया वा, गुस्से नहीं हो रहा किसी तो भी, क्योंकि मेरे वर्गा बंदा भी जिहनूं कह दिंदे कि लाइव च बड़ा ठंडा जिहा रहिंदा वा, कदी गुस्से नहीं हुंदा, कई बार तो मैं भी भड़क जाना, पर उस बंदे दी मैं 37-38 मिनट की इंटरव्यू सुनी हाँ। तो अपनी हर एक गल जिहड़ी उन्हें कीती आ, मैं उस गल तो प्रभावित होया, मैनू वह गल चंगी लगी है। मैं देखिया कि वह जिहड़ियां गल्लां उन्हें कीतियां ने, वह गल्लां आम बंदा नहीं कर सकता। हुण दा जिहड़ा माहौल चलदा पिया वा, इस माहौल दे विच भी कोई इहो जिहा बंदा हैगा ते मैनूं उहदे बारे दस्सिओ जरूर, क्योंकि मैं उहदी भी वॉयस सुनना पसंद करूँगा। मैं सोचांगा कि वह बंदा भी शायद दीप सिद्धू दे नाल दी क्वालिटी दा होवे। इन्ना ज़्यादा विनम्र होना, एक सहज होना, असहजता दी अवस्था दे विच भी अडोल बैठे रहना, इहो जिहियां गल्लां, यह गल्लां गॉड गिफ्टड हो सकदियां ने, गॉड गिफ्टड भी नहीं हुंदियां प्रभु, यह गॉड गिफ्टड भी नहीं हुंदियां कि बचपन दे विच तुहाडे सिर तों आसरा उठ जावे, उहदे तों बाद तुसीं महान रूहां की गोद का आनंद माणो, उहदे तों बाद तुसीं लाइफ स्टाइल वास्ते स्ट्रगल करो, उहदे च जदों तुसीं कामयाब हुंदे जे, उहदे तों बाद तुहानूं लोकां वास्ते खड़ना पैंदा, तो जिन्हां वास्ते तुसीं खड़दे जो तुहानूं लत्तां मारदे चल परे हो, वह दलिया, वह दलाला, वह दुखी तिक्की, तो उन्हां दीआं गल्लां सुन के चल यार कहण दे कीड़ी गल है। मेरे को शब्द नहीं हैगे इस बंदे वास्ते कोई गल कहण नूं, क्योंकि जमाने लग जांदे ने इहो जिहे बंदे तक्कण नूं।
जमाने लग जाते ने मित्रों, सदियां लग जांदियां ने, इहो जिहे बंदे नहीं दिखते। तो यह तो लुकिया ही रहना सीगा, यह तो साढ़े विच आ ही नहीं सी सकदा है बंदा। शायद है एजीटेशन चलनी सी, तो इस एजीटेशन थ्रू सानू यह जिहड़ी नेक रूह आ इहदे दर्शन नसीब होने सी कि असीं इहनू मिलना सीगा, देखना सी। तुसीं देखिया होणा कितना उहदा हड्डियां भरिया चेहरा जेल दे विचों बाहर आया, माड़ू जिहा होया पिया, पर अखां दे विच ते मत्थे दे उत्ते चमक बरकरार रही। हसदा वा, हसदा ही रहिंदा। वो जदों सिमरजोत सिंह मकड़ों नूं गल करन दा यतन करदा वा, उहदे मूँह च गल पाउण दा यतन करदा वा, वो कहिंदा भी नहीं मेरी इन्नी हिम्मत नहीं हैगी मैं किसी नूं इन्ना कुछ कहां। नहीं ठीक है, चलो जो कोई कहिंदा कहण दिओ। उहनूं कहा जांदा कि तुसीं झंडा चढ़ाया जां चढ़ाउण दी गल कीती, जां उहनें जिहड़े सवालां दे जवाब दित्ते ने इन्नी सहजता नाल दित्ते ने। जदों फोटो की गल चली उन्हें दस्या कि 2 बजे तो बाद दी फोटो, लाल किले के बैक साइड की ग्राउंड की फोटो। यानी कि एक मैं उहदी इंटरव्यू सुन रहा सीगा, मैं सिर्फ दीप सिद्धू का साथ उदों दिता भी जदों जेल च चला गया उदों तो हुण देना ही पैना। हुण मैं क्या भी हुण भी कोई खामी लभ लीए, शायद इहदे विच कोई होवे ते वेख लीए जनता नूं उह दसीए। 37 मिनटां दे विच मैनूं तां कोई खामी नहीं जे लभी, गां मैं इहनूं वेखदा यतन करदा। अद्धा घंटा होर देखते हैं कि की माहौल आ, किस तरह सारा सिस्टम आ, की चीज़ है, क्योंकि यह बंदा दोस्तों आम नहीं है। मैं बिलीव नहीं करता इस गल दे उत्ते कि आम होगा, क्योंकि यह वाकई खास रूहां ने। तो जिहड़ी गल उन्हें की आ, हर एक गल जिवें मोती नहीं परोए होंगे लड़ी दे विच, उस तरीके नाल कि तुहानू समझ भी आऊगी। संतां बारे भी बेझिझक बोलदा पाली, मैं राती 1 बजे सुन के सुत्ता। मैं हुण दुध लैण चलिया सीगा ते इत्थे दुध पा के ते मैं वापस डेयरी ते जाणा सी। मेरे को 2 ऑप्शन सीगियां कि एक मैं रेगूलर उहदी इंटरव्यू सुनदा रहां, एक कि जे मैं 10 मिनट अपने विचार तुहाडे नाल सांझे कर लवां ते उहदे तों बाद मैं दुबारा इंटरव्यू तां सुणदे ही रहिणा। मैं दीप सिद्धू नूं कदी मिलिया नहीं, ना कदी उन्हें मैनू फोन किया तो ना मैं कदी उन्हें फोन किया। मज़े की गल आ वा कि मैं उन्हें सिर्फ फेसबुक पर ही देखा, कदे टीवी पर भी देखा नहीं। खिलाफत मैं की 25 जनवरी तक, 26 जनवरी 12 बजे तक, तो उद तो बाद शायद कुछ कुदरत ने गल्लां करनियां हुंदियां, कुछ लोकां ने सहयोग करना हुंदा। जिस तरह जीबी सिंह पम्मी भाजी ने कहा भी आपां वीडियो तैयार करनी, उन्होंने वीडियो तैयार की, उन्हें यूट्यूब ते पाई, फिर मैं उन्हों चुक के अपने मीडिया नैटवर्क ते सोशल मीडिया ते पाया। सिर्फ एक इहो दस्या गया कि किस तरीके नाल कौन कौन किवें चला गया लाल किले। ट्रैप सी पुलिस का सानू भेजण दा, जे लाल किले उत्थे देखो किड्डी वधिया गल कही उहने कि लाल किले भी उत्थे मैं कॉल्स कीतियां ने कि जे आपां इत्थों एजीटेशन चलाउणी आ तां उह लाल किले जाण दा कोई मकसद नहीं, आ जाओ पिछे, आ जाओ पिछे। पर उस बंदे दे मन दे विच किते भी शिकर नहीं। चंगा सर जी। चंगा जी भाई, सत श्री अकाल जी। दरबार साहब आना, उसने मिल लिया, मैं की गल कस देवगा जब आया। दीप सिद्धू वर्गा मोर्चे च एक बंदा भी नहीं, माड़ी किस्मत है मोर्चे के लीडर की जो हीरे बंदे नू मगर धक्कते हैं। बाकी कुछ लोग ना दीप सिद्धू नू माड़ा बोलते ने, अपने कोई सज्जन उत्थे जाके गाली गलोच जां इहो जिहियां हरकतां करदे ने। मैं अज उन्हां सारिआं नूं आ हथ जोड़ के बेनती करदा कि रूह जिहड़ी है ना, यह रूह, यह आत्मा, यह कोई आम नहीं हैगी। शायद यह कुछ वड्डे काम करन आई है, तो वड्डे काम करेगी भी। इस करके जिहड़े दीप सिद्धू की फोटो तक ला के बैठे ने अपनी आई डी दे उत्ते, कढ़न दिओ यार गालां जिहड़े कढ़दे ने, उन्हां नूं कर लैण दिओ अपना मूँह गंदा।
दलील नाल जवाब दो क्योंकि ताडा नेता एक इहो जिहा नेता जी जिन्हें अज तक किसी नूं माड़ा नहीं जेख्या। ताडा नेता एक इहो जिहा नेता वा जिहड़ा बा दलील गल करदा वा। ताडा नेता एक तगड़ा फिलोसफर है जिहदी फिलोसफी दे पिछे सारे फेल ने। ताडा नेता एक इहो जिहा नेता वा जिहदे वर्गा हाले तक कोई नेता असीं देखिया नहीं, खासकर मैं अपनी उम्र 40 साल की जिंदगी मैं नहीं देखिया। तो जे तुसीं दीप सिद्धू की फोटो लाई फिरदे जे, तुसीं दीप सिद्धू नूं लाइक करदे जे, तुसीं उहनूं प्यार करदे जे, मोस्टली आपां सारे जाने। तो एक गल याद रखो, आपां दीप सिद्धू का जदों नाम लैंदे आ कि बंदा आम नहीं आ। पंकज गुप्ता, काली सिंह, मैं बहुत कुछ सीखा दीप सिद्धू दीआं गल्लां तों जी। मैं भी सीख रहा दोस्त, मैं भी किसी वेले गर्म हो जाता, मैं भी टैंपर हो जाता किसी वेले लाइव ते। हालांकि कोई मैनू गुस्सा दवावे इस तरह परमात्मा ने कभी होण नहीं दिता, पर जिहड़ियां हुण गल्लां असीं दीप दीआं सुणदे पए आ, जे इस तरह दीप गल्लां करदा पिया कुछ भी ना करो, तुसीं इंटरव्यू दो तीन वारी सुन लो, तुसीं कहना कि इहो जी इंटरव्यू नहीं सुनी। इन्ना कुछ होने तो बाद भी बस शुकराने ही हैं, होर कुछ है ही नहीं, सिर्फ शुकराने परमात्मा दे। पुलिस ने टॉर्चर किया, 2.5-3 दिन तक सौन नहीं दिता, रोटी पानी तो महरूम रख्या। उहदे तो बाद जो जेल दे विच वी रहा वा तो उत्थे भी सुक्की दाल दे नाल रोटियां। चलो जेल दे विच कहिंदे आ कि तुहानू सब कुछ ही मिल जावे, जेल दे विच तुहानू सब कुछ ही मिल जावे, तुहानू एक पिंजरे दे विच कैद करके रख्या होवे, तुहाडे कोल भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान होण तां उहनां नूं वी खाण दे विच रस नहीं आउंदा। इह बंदा तां रब दा शुक्रगुजारी बंदा वा, ते परमात्मा कृपा करे करांगे सपोर्ट, जेकर है कोई कम करेगा जिंदगी दे विच तगड़ा तां दवांगे साथ, दवांगे जरूर साथ दवांगे, क्योंकि ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ एक फिल्म ही चल रही है जोरा 10 नंबरिया दी, देख रहे हैं उन्होंने कि परमात्मा एक भोले भाले बंदे नूं कित्थों क तक खिच पाउंदा वा, कित्थों क तक उन्हों कष्ट मिलदे और कित्थों क तक दुनिया उहदे नाल हुंदी आ। इह तां हुण वेखांगे जनता की कहिंदी आ, क्योंकि मैं तां जदों दा नाल चल्लिया वां उहनां दा उदों दा मैनूं कुछ एहसास जिहा होया, क्योंकि मैं दीप सिद्धू का साथ नहीं सी देना इन्ना ना मैं कैपेबल सीगा। कुछ मेरे नाल ट्रैजेडी हुई जिदन बोलिया, उहदे तों बाद मैं हिम्मत हार गया सी, मैं कहा भी नहीं अपने कोलों कार्ड नहीं कढ़ी जानी, क्योंकि अपनी जेब च पैसे नहीं हुंदे, मातड़ बंदे हो गए, करोना ने साल तो उत्ते हो गया नप्पिया होया और माता की बीमारी ने भी। तो मैं घर गया, तो हले घर नहीं गया, हले डेयरी तो वापस फ्रूट खरीद रहा सी बेटी वास्ते। तो माता ने कॉल की, माता ने कॉल की कि आपने ना कोठे ते बाज आण के बैठा होया छतरी ते, वो वीडियो दूसरे पेज दे विच होएगी BER वाले ते, वो बाज देखिया, वो बाज रात काफ़ी रात तक उत्थे बैठा रहा। सवेरे जदों मैं दुध लैके जाण वास्ते निकलिया घरों, जदों मैं निकलिया वहाँ तो बाहर आले निकले हैं, तो वह डारी मार के शहीदा साहब वाले पासे नूं चला गया। तो उतों मैं गुरु साहब अगे नतमस्तक होया, तो मैं अपने पासे नूं तुर पिया। उदों आउण लग्या मन दे विच इक कशमकश जरूर होई सी कि बंदे दा साथ देना चाहिए, भावें तुहानूं टक्करां मारनियां पैण भुख नाल, पर इहदा साथ दिओ, क्योंकि एक मन दे विच जिहड़ी चीज़ उपजदी है ना, जदों तुसीं रब नूं प्यार करते जे, रब नूं प्यार करने वाले आस्तिक लोगों प्रति मैं गल करदा, उन्होंने मन के अंदर चाह उन्माद जिहड़ा पैदा करना वह परमात्मा ने पैदा करना हुंदा, खिच जिहड़ी परमात्मा ने लाउणी हुंदी, बंदे दे वस दी उह गल नहीं हुंदी। नास्तिक लोगों वास्ते इहो जी कोई फीलिंग नहीं हुंदी, क्योंकि वह महसूस ही नहीं कर पाउंदे
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 88 47 42 52 90 2 37 15 3 22। ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।